पे आपको बताएंगे कि लाहौर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ गया। मुसलसल आठवें दिन लाहौर आलूदगी में दुनिया भर में पहले नंबर पर है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 से भी बढ़ गया। महकमा माहौलियात सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम है। ये रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर की फिजा में स्मॉग का राज, आलूदा धुंध से जीना दुश्वार। धुंध की जहरीली चादर बागों के शहर पर छाई, मगर इंतजामिया फिर भी हरकत में न आई। आलूदा तरीन लाहौर आज आठवें रोज भी पहले नंबर पर। लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 704 तक पहुंच गया। गर्द आलूद बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। फिजाई आलूदगी की बिगड़ती सूरत हाल ने महकमे माहौलियात के दावों का पोल खोल दिया। शहर में आलूदगी का मौजब बनने वाली फैक्ट्रियां और भट्टे ताहाल फाल हैं। फिजाई आलूदगी से हद्दे निगाह भी इंतहाई कम हो गए। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डेढ़ हफ्ता हो गया है, स्मोक चल रही है, जिसकी वजह से आंखों में गले में दुश्वारी होती है। जितनी ज्यादा स्मोक इंक्रीज होगी, ड्राइनेस इंक्रीज होगी, डिहाइड्रेशन इंक्रीज होगी, उसके कफ के रेशियो बढ़ जाएंगे, फ्लू रेशियो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि स्मोक में कमी सिर्फ बारिश की सूरत में आ सकती है, जबकि रवा माह भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। एयर इंडेक्स काफी खराब है हमारे, यानी वो भी हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से ही है। तो आने वाले दिनों में अभी तक अपर एरियाज में कोई ना कोई वो सिस्टम गुजरता रहेगा, लेकिन लाहौर या इसके आसपास अभी तक इतनी ज्यादा बारिश का इम्कान कोई नहीं लग रहा। आलूदगी से पैदा होने वाली धुंध ना सिर्फ हादसात का बाइस बन सकती है, बल्कि इंसानी जानों के लिए मुजर है। ऐसे में शहरी एहतियाती तदाबीर अपनाकर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें।